अब के इस लॉकडाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीखना। आप कहीं से भी सीखे, किसी भी तरह से सीखे, किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखे, चाहे आप सिविल गुरुजी के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स से सीख रहे हो या इस इंडिया के किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी लर्निंग ले रहे हो, लेकिन आज के इस वक्त सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लर्न करते हैं तभी आप अर्न करते हैं। तो इस जोश और जुनून के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लर्निंग सेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बोहरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस खास वीडियो लेक्चर पे मैं आपसे बात करने वाला हूं जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स थे उसके रिगार्डिंग। जैसे कि आज सुबह मैंने आपको वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे डाउट्स थे उसके रिगार्डिंग मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो आज का जो स्पेशल सीजन और स्पेशल सेशन जो कि आज मैं आपके डिटेल में बताने वाला हूँ, स्पेशल वीडियो ऑन योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस, आज इस वीडियो पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी चीजें जो आपने क्वेश्चंस जो क्वेरीज मुझसे की थी, सारी की सारी क्वेरीज का इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, इन क्वेरीज जो क्वेश्चंस में ले रहा हूं इन चार वीडियोस में से मैंने लिए हैं। सबसे पहला बीबीएस वीडियो ऑन स्लैब में से लिया है मैंने, बीम के वीडियो में से मैंने आपके डाउट क्वेश्चन लिए हैं, बीबीएस पार्ट वन में से मैंने डाउट्स लिए और बीबीएस पार्ट टू में से मैंने डाउट्स लिए। अगर ये सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहां आई बटन में मैं सारे वीडियोस का लिंक दे रहा हूं, आप जाके इस वीडियो के बाद वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो रिलेट हो और बहुत यूजफुल जानकारी आपको सीखने को मिले यहां से। एक रिक्वेस्ट और जरूर करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं, आप न्यूली है आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि इसी जोश और जुनून के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, जो कि सबसे पहला डाउट सौरभ जी का मैं लेता हूं यहां पर, जो कि जिन्होंने लिखा है बहुत हेल्पफुल वीडियो है सर, थैंक यू सो मच। सिमिलरली टू वे स्लैब रिलेटेड वीडियोस अपलोड कीजिए, जो कि आज सुबह मैंने कर चुका है आप लोगों के लिए, एंड चेयर का फंक्शन एंड डिटेल्स रिलेटेड कीजिए। जैसे कि सौरभ जी, जो आपका क्वेश्चन था चेयर से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहां पर मैं साइट विजिट भी जब हम जाते हैं तो ये देखिए इस तरह का चेयर। अभी चेयर क्या काम आता है, कहीं पर भी हमारा डबल मैश होता है, चाहे वो फुटिंग में हो चाहे स्लैब के केस में हो, जहां पर भी हमारी ड्यूअल रेनफोर्समेंट आती है, चाहे वो राफ्ट फाउंडेशन हो मैट फाउंडेशन हो, जहां पर भी डबल मैश आती है किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो डबल मैश को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जब हम उस पर वर्क करते हैं तो जो ऊपर वाला लेयर है जो हमारे रेनफोर्समेंट का वो दब जाता है, पहला रीजन ये होता है। और सेकंड रीजन, जब हम मटेरियल प्लेसिंग करते हैं पोजिशनिंग करते हैं तो उस पर भी चांसेस रहता है ऊपर वाले जो रेनफोर्समेंट है, ऊपर वाला जो हमारा जाली है उसको नीचे दबने का। तो उस पर्पस से दोनों को सेपरेट करने के लिए हम वहां पर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, चेयर का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहां पर साइड पर देख भी रहे होंगे, यहां पर जो नीचे वाली मैश है, इस नीचे वाली और ऊपर वाली मैश को सेपरेट करने का काम करती है चेयर। अब इस चेयर का किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं मैं आपके लिए ये भी लेकर आया हूं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल देखेंगे, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, टोटल हमारा थिकनेस है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो हमारा फुटिंग हो, किसी भी तरह का हमारा जो भी स्लैब हो, कॉम्पोनेंट हो, मेंबर हो, उसकी थिकनेस, टोटल थिकनेस, उसमें हमारी बॉटम पर एक मैश लगी हुई है। सिमिलरली यहां पर एक टॉप मैश लगी हुई है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बॉटम मैश का डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब यहां पर तीन चीजों का इस्तेमाल होता है चेयर में। सबसे पहला होता है हमारा हेड, जो कि इस बॉटम टॉप पोर्शन पर लगा हुआ रहता है, जो ऊपर मैश को अलग करता है नीचे वाले मैश से। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका हाइट, जो कि ये हाइट गिवन है, क्लियर। और थर्ड पार्ट होता है इसका लेग, जो कि इस तरह से रेस्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपरली रेस्ट करता है नीचे वाले मैश पर। अब इसकी अगर मुझे वैल्यूज निकालना है तो कैसे, हेड की वैल्यू, अगर मुझे हेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, 2 into स्पेसिंग ऑफ टॉप बार। यहां पर ये जो टॉप बार लगी हुई है, इन टॉप बार का जो स्पेसिंग है 2 into स्पेसिंग ऑफ टॉप बार प्लस 2 into 50, यानी कि इस बार से भी थोड़ा यहां 50 आगे और इस बार से भी यहां 50 आगे हमको निकालना है। तो 2 into जो हमारा स्पेसिंग है टॉप बार का वो प्लस 2 into 50, 50, तो यहां से जो हमारा हेड का लेंथ कैलकुलेट हो जाता है। आपकी जो भी स्पेसिंग गिवन है आपके ड्राइंग पे, वो स्पेसिंग आपको यहां पर लेना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइट की, अगर मुझे हाइट निकालना तो बहुत आसान है हाइट निकालना। सबसे पहले डी यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग या जो भी आपका मेंबर है उसमें से आपका यहां से ये कवर माइनस होगा, नीचे से कवर माइनस होगा, तो माइनस 2 into कवर, क्योंकि ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है, दो कवर माइनस हो गया। माइनस डाया ऑफ बोथ टॉप बार, यानी कि ये जो टॉप पर बार है ये वाली और सिमिलरली ये वाली,
इन दोनों बार का डाया भी माइनस होगा क्योंकि ये इस बॉटम बार के नीचे लग रही थी, तो दोनों की दोनों माइनस होगी, तो माइनस डाया ऑफ बोथ टॉप बार। नेक्स्ट जो माइनस करना है हमको डाया ऑफ बॉटम फर्स्ट बार, जो बॉटम में पहली बार रखी है, आप यहां पर देख सकते हैं सिर्फ बॉटम बार के जस्ट ऊपर रखा है, क्लियर है। तो बॉटम बार के जस्ट जो डाया है इसका, उसको हमको माइनस करना होगा, तो माइनस डाया ऑफ बॉटम फर्स्ट बार जैसी मैं करता हूं तो मेरी यहां पर हाइट मुझको मिल जाती है। सिमिलरली जब मुझको लेग फाइंड आउट करना है तो लेग 2 into स्पेसिंग ऑफ बॉटम बार, तो जो बॉटम पे बार की स्पेसिंग है ये भी हो सकता है दोनों की स्पेसिंग अलग अलग हो और सेम भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, आपको ड्रॉइंग पढ़ना बहुत जरूरी है। 2 into स्पेसिंग ऑफ बॉटम बार, जो बॉटम पर बार है, into 2 into 25, और हमको थोड़ा सा थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है दोनों साइड, तो 2 into 25 हम करेंगे तो यहां से हमको लेग का वैल्यू मिल जाएगा। तो होपफुली सौरभ जी आपका जो डाउट था, जो क्लेरिफिकेशन था, जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा कि क्या उसके फंक्शन है, क्योंकि हमको दोनों जाली को एक दूसरे से अलग रखना पड़ता है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से डाउट है। जावेद जी का डाउट है, सर क्रैंक बार टू वे स्लैब में बहुत साइड बोथ साइड प्रोवाइड करते हैं और वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड करते हैं, वाई? वो मैंने आपको आज वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के डिटेल पर वो डाउट आपका क्लियर कर दिया है, आप उस वीडियो को पूरा एक बार और देखेंगे जावेद जी तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। पूजा जी का क्वेश्चन है, सर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्रैंक बार के ऊपर लगाएंगे या नीचे? ओके पूजा जी मैं आपका आंसर देता हूं। असद जी का भी शायद यही क्वेश्चन है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्रैंक बार के नीचे प्लेस होंगी, वॉट इज द स्पेसिंग गिवन इन एक्चुअल साइड? तो सौरभ जी का क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिंग गिवन इन एक्चुअल साइड, तो इनके आंसर्स के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो पूजा जी और भी लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिटेल पे, यहां पर आप देखिए एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, एक स्लैब का क्रॉस सेक्शन है, क्लियर है। अब इस क्रॉस सेक्शन में देखिए क्रैंक बार लगी हुई है, सिमिलरली ये उसके ऑल्टरनेट वाली क्रैंक बार है। अब हमको ये चीज ध्यान देना है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन, ऊपर कंप्रेशन जोन। तो जहां पर भी हमारा टेंशन जोन जनरेट होता है सबसे पहले मेन बार वहीं पर ही लगती है, उसके ऊपर लगती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो नीचे के केस में यहां पर हमारा जो मेन बार है उसके ऊपर लगा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। सिमिलरली जैसे ही हम टॉप की बात करेंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था क्रैंक बार पे टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर लगेगा या नीचे, जैसे ही मैं टॉप पर जाता हूं तो ये वाला जो जोन है ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, लेकिन बीच पे कौन सा जोन रहता है? पॉजिटिव जोन रहता है, पॉजिटिव। तो उस केस में जैसे ये जोन चेंज होता है तो यहां पर इफेक्ट भी चेंज हो जाता है, क्लियर। तो यहां पर नेगेटिव मूवमेंट आने की वजह से जो टॉप बार है, जो मेन होनी चाहिए, जो मेन बार, वो ये क्रैंक बार ऊपर हो जाती है और इस मेन बार के जस्ट नीचे ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है दोनों साइड पर। तो जो आपका आंसर है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा आपका उस टॉप में क्रैंक बार के जस्ट नीचे सपोर्ट करते हुए, क्लियर इंजीनियर्स। तो ये होपफुली आपका जो डाउट था, जो कि एक बार हम और देख लेते हैं, पूजा जी का, असद जी का और सौरभ जी का डाउट है व्हाट इज द स्पेसिंग गिवन इन एक्चुअल साइड। स्पेसिंग आपकी जो भी ड्रॉइंग पर गिवन होगी आपको वही ड्रॉइंग पर लेना है सौरभ जी, क्लियर है। जो भी एक्चुअल स्पेसिंग आपकी गिवन होगी 100 mm, 150 mm, 200 mm, जो भी ड्रॉइंग पे गिवन होगा आपको वो स्पेसिंग फॉलो करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे और अलग अलग तरह के डाउट्स के लिए। सर क्रैंक कितने डिस्टेंस पे देते हैं? मुन्ना जी का डाउट है ये। मोहम्मद जी का डाउट है, सर हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल? अभिषेक जी का डाउट है, हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फॉर गिवन क्रैंक? गौरव जी का डाउट है, कितने डिस्टेंस पर क्रैंक देते हैं? ये बता दे तो वीडियो और भी अच्छा होता। बिल्कुल मैं इस वीडियो में और डिटेल पे आपको बता देता हूं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलते हैं हम इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। और जितेंद्र जी का भी ऐसे कुछ डाउट है, सर एक्सीलेंट टीचिंग, थैंक यू सो मच, वन क्वेश्चन ओनली देयर, द क्रैंक बार इज स्टार्ट फ्रॉम L/3 लेंथ और एनी अदर लेंथ प्लीज रिप्लाई। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी चीजों का एक ओवरव्यू देता हूं प्रॉपरली कि क्रैंक डिस्टेंस क्या होता है, फिर मैं आपको IS कोड के रेफरेंस से भी बताऊंगा और एक स्लैब का ड्रॉइंग भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इंजीनियर्स, ताकि ऐसे वैल्यूएबल और जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं वो आपके भी क्वेश्चंस लूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं जो भी उसका क्लियर स्पान या क्लियर स्पेसिंग गिवन होती है, आपको ड्रॉइंग से ही समझना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम L/4 या L/3 जोन जो भी ड्रॉइंग पर गिवन होता है हमको उसके हिसाब से ही करना होता है। जब भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पे समझा रहा हूं ये सारी चीजें,
क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल है वो इस जोन पर रजिस्ट करता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल को जो डेफिनेशन और हम जो पढ़ते ही हुए आ रहे हैं, किसी भी केस में जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, इसके सेंट्रल पे यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट है और ऊपर नेगेटिव मूवमेंट है, तो जहां पर भी मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है उसी पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल आता है। तो जिस पॉइंट पे कॉन्ट्राफ्लेक्चरल आ रहा होगा इसका मतलब वहां पर बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट जीरो होगा, तो वही वो पोजीशन और लोकेशन होती है जहां से हमको बार की पोजीशनिंग चेंज करनी होती है उसी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल से। अब वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल कहां पर आता है डिपेंड करता है उसके लोडिंग के इफेक्ट पर, कि उसका जो सपोर्ट है वो किस तरह का, कंटिन्यूस सपोर्ट आ रहा है कि वहां पर फिक्स सपोर्ट आ रहा है, कि किस तरह का सपोर्ट आ रहा है, कैंटिलीवर सपोर्ट आ रहा है या एंड सपोर्ट आ रहा है, वो कौन से सपोर्ट पे स्लैब जाके इंक्लूड है या बीम जाके इंक्लूड है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। क्लियर है? तो यहां पर जैसे कि हम देखते हैं L by 4 डिस्टेंस, तो जो हमारा 3 मीटर का 750 तक ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल जो है वो आता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस क्रैंक की भी, तो सिमिलरली यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है मूवमेंट, क्योंकि अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस तरह से इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा, यहां पर नेगेटिव मूवमेंट, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। तो सिमिलरली यहां पर जो न्यूट्रल एक्सिस पे ये अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट, वहां पर आता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल और वहीं से हमको क्रैंक को चेंज करना होता है। जिसका नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको लेके चलता हूं, जो आईएस कोड पेज नंबर 90, आईएस कोड 456 2000 पे पेज नंबर 90 पर आप देखेंगे, आपको और भी डिटेल्स देखने को मिलेगा। D1.4 में दिखा है, टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट द मिड स्पैन इन द मिडिल स्ट्रिप शैल एक्सटेंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्लैब टू विद इन 0.25L ऑफ द कंटिन्यूस एज। अगर कंटिन्यूस एज हमारे चल रहे हैं तो 0.25L और 0.15L ऑफ अ डिसकंटिन्यूस एज। अगर हमारे एजेस डिसकंटिन्यू होते हैं तो 0.15L, 0.25L मतलब क्या होता है हमारा L by 4, क्लियर इंजीनियर्स? सिमिलरली 0.15L यानी कि L by 6 तक हमारा डिस्टेंस हो गया। ओवर द कंटिन्यूस एजेस ऑफ अ मिडिल स्ट्रिप द टेंशन रेनफोर्समेंट सेट एक्सटेंड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्लैब डिस्टेंस ऑफ 0.15L फ्रॉम द सपोर्ट एंड एट द एटलीस्ट 50% सेल एक्सटेंड अ डिस्टेंस ऑफ 0.3L। इसको मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉइंग के हेल्प से ऑल क्लियर आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ड्रॉइंग भी स्लैब का जो लेके आया, क्रॉस सेक्शन जो हमारे एक्चुअल साइट पर यूज होता है ड्रॉइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्टेलमेंट डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले देखिए ये एंड है, क्लियर? यहाँ पर एंड सपोर्ट आ रहा है, तो एंड सपोर्ट में देखिए यहाँ पर डिस्टेंस एल कहाँ से लिया, इस बीम के सेंटर से लेकर इस बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया गया है। अब जैसे ही यहां पर जो क्रैंक डिस्टेंस आता है, यहां पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल का जोन आएगा वो आएगा 0.15L1। L1 का डिस्टेंस कितना है, इस बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस है 0.15L1। यहां पर वैल्यू आपको लेना होगा जिस किसकी डिस्टेंस है, ये क्रैंक लेंथ की डिस्टेंस आपको यहां पर बता रहा है, क्लियर है? सिमिलरली जैसे मैं कंटिन्यूस सपोर्ट के पास पहुंच जाता हूं, ये यहां पर एंड है, ये कंटिन्यू हो रहा है दूसरा स्लैब। अब इस कंटिन्यूस जगह पर जब हमारा जो रेनफोर्समेंट है जो नीचे से आके ऊपर चढ़ के दूसरे स्लैब पर जाएगा, उसके लिए जो क्रैंक लेंथ है इसके सेंट्रल पार्ट से वो कितनी जनरेट हो रही है, 0.25L1, क्लियर? यहां पर L1 कितना है, ये जो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हैं 0.25L1। सिमिलरली यहां पर जो टॉप एक्स्ट्रा निकल के आता है, जो टॉप एक्स्ट्रा आगे निकल के आता है, उस टॉप एक्स्ट्रा का, टॉप एक्स्ट्रा कौन सा आगे निकल के आ गया कंटिन्यूस स्लैब के केस में, जो कि स्लैब से ऐसा रेनफोर्समेंट है नीचे से क्रैंक होके ऊपर आया और ये ऊपर से यहां पर जा रहा है, पूरा दूसरे स्लैब का टॉप एक्स्ट्रा बनता है। हमारे कंटिन्यूस केस में अलग अलग तरह से हम सॉल्व आउट करते हैं, तो उस केस में 0.3L1 होके आगे निकलता है ये टॉप एक्स्ट्रा बार। इस पार्ट का एकदम हमको खास ध्यान देना होता है। तो जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल या क्रैंक लेंथ का डिस्टेंस है उसके बारे में जो भी डिटेलिंग आपके ड्रॉइंग पे पूरा प्रॉपर गिवन होता है, और अगर आपको ये सारी चीज समझनी है तो आईएस कोड 456 2000 में भी आप देख के इसको रीड आउट करके प्रॉपरली एग्जांपल्स के तौर पर इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं और हमारे कुछ और डाउट्स है उसको लेते हैं। सबसे पहला हुसैन जी का डाउट है, ऑल्टरनेट क्रैंक क्यों लगाते हैं, कंटिन्यूस क्रैंक भी लगा सकते हैं क्या? प्रीतम जी का डाउट है, सर व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट प्रोवाइड अल्टरनेट बेंट अप रादर देन गो फॉर कंटीन्यूअस बेंट अप बार? लोकेंद्र जी का डाउट है, सर क्रैंक अल्टरनेट क्यों देते हैं, कंटीन्यूअस क्यों नहीं देते? इन सारी चीजों का मैं डाउट क्लियर करता हूं आपको। यहां पर और भी सेम ऐसे डाउट्स बहुत सारे इंजीनियर्स को आए,
जैक जी का क्वेश्चन है, आई हैव अ डाउट सर, हमें टॉप एक्स्ट्रा बार जो लगाएगा स्पेसिंग हाफ करने के लिए, उसके बदले हम दोनों साइड क्रैंक देते तो? उनका भी सेम क्वेश्चन वही है सर, टॉप एक्स्ट्रा ना लगाए, क्रैंक दोनों साइड दें, इनका भी सेम क्वेश्चन है तुलेन जी का और नदीम जी का, सर बाय क्रैंक बार्स आर गिवन एज अल्टरनेट, व्हाई नॉट क्रैंक बार्स ऑन बोथ द साइड्स। मैं आपके इस क्वेश्चन का प्रॉपरली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक एग्जाम्पल को हमको देखना है और एक एग्जाम्पल के तौर पर एकदम आसान भाषा में हम इस चीज को समझेंगे। अब जैसे हमारा जो एंड पोर्शन है, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, मैं एक रेनफोर्समेंट बार की बात करता हूं, क्लियर। अगर इस एक रेनफोर्समेंट बार को मैंने यहां से क्रैंक दिया और दूसरे साइड भी अगर मैं इसको क्रैंक करके ऐसे चढ़ा दूंगा, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा सपोर्ट, जो सपोर्ट का एंड पहुंचेगा, उस सपोर्ट के पास मेरा बॉटम पर कोई भी सपोर्ट नहीं आ पा रहा है, कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है बॉटम में, अगर मैं दोनों साइड क्रैंक प्रोवाइड कर दूंगा तो, क्लियर। क्योंकि अगर मैं एक साइड क्रैंक प्रोवाइड करता हूं इस तरह से, तो ये अगले साइड बॉटम पर सपोर्ट करता है, सिमिलरली जो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला अल्टरनेट क्रैंक बार होगा वो यहां से क्रैंक चालू होगा और ये यहां पर आके नीचे जाके सपोर्ट करेगा। तो जो सबसे बेस्ट वे है स्लैब को बांधने का वो यही है कि अल्टरनेट क्रैंक बार हम लगाते जाए और जो भी दो क्रैंक आता है, जो दो क्रैंक बार आता है, अब लेकिन इसके टॉप पर तो डबल डिस्टेंस हो गया क्योंकि इसका जो अल्टरनेट बार है वो तो नीचे से गया है, अब इस क्रैंक के में दो डबल डिस्टेंस हो गए, स्पेसिंग डबल हो गई है, तो उसको कवर करने के लिए हम यहां पर एक टॉप एक्स्ट्रा बार लगा देते हैं ताकि जो उसकी स्पेसिंग है ऊपर वो प्रॉपर हो सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी आईएएस कोड में भी कहीं गिवन नहीं है कि आपको ऐसा अल्टरनेट बार ही लगाना है, आप अपने पोजिशनिंग के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट को हमको रजिस्ट करना है, वो लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ और पोजिशनिंग की बात करते हैं, बहुत सारे साइट्स में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बार इस तरह से क्रैंक करें एक बार और जस्ट जो उसका अल्टरनेट बार है उसको फ्लैट लगा दें, सिमिलरली और उसका जो नेक्स्ट बार होगा वो क्रैंक होगा और उसका जो अल्टरनेट बार होगा वो एकदम फ्लैट जाएगा। इस तरह से पोजिशनिंग में भी लगता है। और कैसे पोजिशनिंग में लगता है कि पूरे बार, जो पूरी बार है वो नीचे पूरी सीधी गई है फ्लैट, कहीं पर भी क्रैंक का केस ही नहीं आता। बहुत जगह ऐसे भी स्लैब बांधे जाते हैं कि नीचे एकदम फ्लैट और ऊपर यहां से टॉप एक्स्ट्रा, यहां से टॉप एक्स्ट्रा, सिमिलरली उसका नेक्स्ट बार सिमिलरली ऐसे ही लगेगा, यहां से टॉप एक्स्ट्रा, यहां से टॉप एक्स्ट्रा, कंटिन्यू टॉप एक्स्ट्रा लगाते जाते हैं, यहां पर क्रैंक का कोई केस ही नहीं होता। क्यों क्रैंक का केस नहीं होता इस केस में? इसका जो मेन रीजन है वो ये, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल जोन में आ रहा है तो वहां पर बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट है नहीं। अगर वो क्रैंक नहीं भी हम रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस केस में डायरेक्ट स्ट्रेट बार और उसके ऊपर टॉप एक्स्ट्रा, स्ट्रेट बार और उसके ऊपर टॉप एक्स्ट्रा, उस तरह से भी हम पूरी की पूरी रेनफोर्समेंट को प्लेस करते हैं हमारे साइड पे। और एक जो नेक्स्ट पार्ट है जो मैं आपको बताऊं डिटेल पे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में हम नीचे भी पूरी स्ट्रेट बार और ऊपर भी पूरी स्ट्रेट बार लगा देते हैं, पूरी की पूरी, नीचे भी पूरी स्ट्रेट बार और ऊपर भी स्ट्रेट बार बहुत सारे केसेस में लगती है। वो सब डिपेंड करता है डिजाइन क्राइटेरिया पर और आप कितनी एफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं। जो हमारे इंडियन पैटर्न में सबसे आसान तरीका है वो यही है, अल्टरनेट क्रैंक बार लगाओ और उसके साथ साथ आप एक एक टॉप एक्स्ट्रा देते जाओ, क्योंकि अगर आप एक साथ क्रैंक बार लगाओगे, एक ही बार वो क्रैंक करोगे, तो नीचे आपको बॉटम एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। नीचे बॉटम एक्स्ट्रा लगाना थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है अगर हम बात करें टॉप एक्स्ट्रा लगाने, क्योंकि उसमें वर्किंग एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी आपकी। इस वजह से हम प्रिफर करते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार की प्लेसिंग को लगाना। आप अलग अलग स्टेट पे ट्रेवल करोगे तो आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे। मैंने आज तक जितना अपनी इंडस्ट्री पे काम किया है पूरा का पूरा इस अल्टरनेट पैटर्न और टॉप एक्स्ट्रा के पैटर्न पे ही काम किया है। हमने देखा जरूर है इस तरह के केसेस भी होते हैं, हमने देखा जरूर है, लेकिन आपके काम करने के तरीका है, आपको जैसा लगाना है, हर केस में वो बार एकदम सेफ ही रहेगा चाहे आप किसी भी तरह की पोजीशनिंग और प्लेसिंग करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट दोनों रजिस्ट होना चाहिए, उसको सेफ करने के लिए वहां पर रेनफोर्समेंट जरूर आना चाहिए। तो होपफुली आपका ये सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो हमें संजय जी ने पूछा, इन बीम स्पेसिंग ऑफ रिंग एट सपोर्ट 100 mm सेंटर टू सेंटर एंड मिड स्पैन 150 mm सेंटर टू सेंटर इन सच केसेस हाउ टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिंग्स। मैं इसका आंसर देता हूँ संजय जी आपको। गौरव जी ने पूछा है सर 3+2 पोजिशन ऑफ बार समझ नहीं आया। ओके गौरव जी, और डेवलपमेंट लेंथ जो फॉर्मूला है वो कटिंग लेंथ का एल डी प्लस लेंथ प्लस 2 × 0.42 H प्लस एल डी माइनस 2 × 2 × 2 D प्लस 4 × 1 D
हो सकता है कि सर पिछले वाले वीडियो में आपने बताया था। तो बिल्कुल गौरव जी, यहाँ पर जो मैंने एलडी लिखा है और यहाँ पर भी एलडी लिखा है, सेम है, सही है आंसर आपका जो आपने लिखा है यहाँ पर। टोटल लेंथ प्लस 2 × 0.42 भी ठीक है, और 2 × 2D यानी कि 290 डिग्री का बैंड है, और 4 145 डिग्री के बैंड है। ये आपका जो आपने इक्वेशन लिखा है एकदम करेक्ट इक्वेशन है। ये 3 + 2 का पोजीशन मैं आपको अभी समझा देता हूँ। और हिमांशु जी का क्वेश्चन है, नीचे जो लगी हुई है उस बार का कोई डिस्टेंस होता है वो बताइए 3 + 2 वाले में। ओके, तो ये हिमांशु जी का, गौरव जी का और संजय जी का मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ प्रॉपरली। पहले संजय जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो संजय जी, आपका जो क्वेश्चन था वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, सभी के सभी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि जो हमारा ये बीम का फ्रेम है, बीम के फ्रेम में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको गिवन है, और इसका जो हमको जहां तक इसका नेगेटिव मूवमेंट का इफेक्ट रहता है हमारे बीम के केस में भी, जहां तक टॉप एक्स्ट्रा आता है वो डिस्टेंस भी गिवन है हमको 1 to 6 5। सिमिलरली यहां पर भी वो डिस्टेंस गिवन है हमको 1 to 6 5। अब इस 1 to 6 5 के डिस्टेंस तक, क्योंकि यहां पर मूवमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसी वजह से यहां पर टॉप में एक्स्ट्रा बार लगती है। क्लियर इंजीनियर्स? क्योंकि जब ये लोड इसको नीचे पुश करेगा तो ये अपने सपोर्ट से ऊपर आने का कोशिश करेगा, तो इसी चीज को रजिस्ट करने के लिए हमारे एंड सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा बार लगाई जाती है। अब एक्स्ट्रा बार लगाई जा रही है तो वहां पर एक्स्ट्रा लोडिंग का इफेक्ट होगा, तो वहां पर हमको बाइंड ज्यादा अच्छे से करना होगा, स्टीरअप ज्यादा लगानी होगी। अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपके ड्रॉइंग पर मेंशन होगा, वो आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं इस ड्रॉइंग की बात करूं तो इस ड्रॉइंग पर वो मेंशन नहीं है कि आपको अलग अलग स्टीरअप्स लगाने हैं अलग अलग जोन पर, लेकिन अगर आपको अलग अलग स्टीरअप लगाने हैं आपके ड्रॉइंग पे गिवन है। कॉलम पे भी ऐसे ही होता है, सपोर्ट्स के बाद आपको कम कम स्पेसिंग में स्टीरअप्स लगाने होते हैं, सेंटर पे ज्यादा स्पेसिंग में लगा सकते हैं। बीम के केस में भी ऐसे ही होता है, आपको सपोर्ट पे जो सपोर्ट्स रहते हैं वहां पर आपको नियरली स्टीरअप्स लगाने होते हैं और सेंटर पर ज्यादा लगाने होते हैं। जो सर का क्वेश्चन था, हमारे संजय जी का जो क्वेश्चन था उसको मैं आपको क्लियर आउट कर दिया। संजय जी, अगर आपके सपोर्ट्स में, सपोर्ट्स का एक डिस्टेंस वहां पर गिवन होगा कितने सपोर्ट तक, क्लियर? तो यहां पर जो हमारा जोन है वो 1 to 6 5 के डिस्टेंस तक सिर्फ 100 mm के स्पेसिंग में स्टीरअप लगेगा, और जो इसका सेंट्रल पार्ट है उसमें 150 के स्पेसिंग में स्टीरअप लगेगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, जैसे कि एक कॉलम का सपोर्ट है तो कॉलम के अंदर तो स्टीरअप लगेगा नहीं, और 1 to 6 5 डिस्टेंस हमारे ये हाफ अंदर गया हुआ है कॉलम के, तो टोटल 250 है, तो 1 to 6 5 - 125 करना पड़ेगा मेरे को, ये आधा डिस्टेंस मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मिल पाएगा। तो 1 to 6 5 - 125 आपका अगर यहाँ पर 100 mm स्पेसिंग है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 करके आपका यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकल जाएगा। सिमिलरली आपको इस एंड पर भी वही करना है, टोटल अगर यहां डिस्टेंस जो भी गिवन है आपको वो डिस्टेंस देना है, 1 to 6 5 - ½ वेट अपॉन 100 + 1। अगर यहां पर जो भी आपके ड्राइंग पे गिवन है वो सारी चीज को समझ के आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमको निकालना है ये सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं हमारा कितना है, 3800 हमारा टोटल डिस्टेंस है, उसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है 1 to 6 5 यहां से, इतना हम माइनस करेंगे, सिमिलरली 1 to 6 5 यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेंटर का डिस्टेंस निकल आएगा। तो इस सेंटर के डिस्टेंस को हमको क्या करना है, 3800 - 2 × 1 to 6 5 डिवाइडेड बाय, अगर आपका 150 के स्पेसिंग में लगा इस तरफ तो यहां पर 150 प्लस 1 करेंगे तो हमारा यहां पर भी पूरा का पूरा नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। होपफुली आपको ये आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो किसका था, गौरव जी का क्वेश्चन था और हिमांशु जी का क्वेश्चन था, तो 3 + 2 के पोजीशनिंग पे लगी है बार, उसको मैं उनको गाइड कर देता हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पोजीशनिंग है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंजीनियर्स टॉप एक्स्ट्रा को कैसे ड्रॉइंग पर समझते हैं और उसको कैसे रीड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमको नेमिंग दी हुई है 5-12 / 3 + 2। होपफुली इंजीनियर्स आपको ये जो डाउट सेशन है बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं मैं भी आपके क्वेश्चंस लूँ तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपके क्वेश्चंस को। आप कोई नया वीडियो चाहते हैं जिस टॉपिक पर मैं बनाऊँ तो उन टॉपिक को भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मुझसे डाउट पूछें और इसी तरह से मेरी भी लर्निंग बढ़े, साथ ही साथ आपकी भी लर्निंग बढ़े आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि मुझे इसी तरह से उत्साह मिलते रहे आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। So, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं समझते हैं 5-12 / 3 + 2 यानी कि 5 नंबर ऑफ बार्स 12 mm डायमीटर का 3 + 2 के पोजीशन पे। अब हमको ये समझना है ये टॉप बार की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो इस टॉप यहां पर हम देखते हैं ये इसका मिड, इसके टॉप पर 5 बार लगे हुए हैं, क्लियर? ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है,
पांच बार जो लगे हैं, अगर पांच बार एक ही पोजीशन पर लगता, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टीरअप का पोजीशनिंग है समझ लीजिए, अगर ये पांच बार, जैसे ये दो बार तो कंपलसरी ही आएंगे इसके कॉर्नर्स पर, ये तो कंपलसरी है दो बार आना, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ बार चार आने ही आने, और वो चार कहाँ है, ये चारों कॉर्नर पर मेन बार तो आएगा ही आएगा, वो तो एकदम कंपलसरी, आंख बंद करके देख लेना है, वो तो मेन बार ही है हमारा। तो जैसे कि चार जो हमारे दो बार तो लग गए पहले ही कंपलसरी कॉर्नर्स पर, लेकिन अगर वहां पर पांच बार बोला, अगर पांचों के पांचों बार ऐसे एक साथ लगे हुए रहते, तो उस केस पे क्या होता, जब मटेरियल पुट करते तो यहां पर इन बार्स के बीच में स्पेसिंग कम हो जाती, तो जो हम एग्रीगेट डालते हैं 20 mm का जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है आरसी वर्क के लिए, उसमें यहां पर मटेरियल अंदर जाने में प्रॉब्लम होती, और सिमिलरली जो हमारा लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहता है वो भी लेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे पूरे टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन पे भी। तो उस केस पे हमने क्या किया है, जो हमारे ड्रॉइंग पर गिवन है, उस केस पे जो भी हमारा स्टीरअप का पोजीशनिंग है उसमें सबसे पहले यहां पर देखिए 3+2 लिखा है, यानी कि तीन बार और दो बार, क्लियर, यहां टोटल पांच बार आ रही है इस जगह पर, तो दो बार तो यहां पहले से ही फिक्स हो गई, क्लियर। अब ड्रॉइंग पे देख रहे हैं एक बार यहां पर गिवन है आपको सेंटर पे, यानी कि एक बार यहां पर गिवन हो गया, क्लियर। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहां पर एक टाई बार लगा हुआ है, इसको हम टाई बार कहते हैं, यहां पर एक टाई बार आएगा, ये टाई बार आएगा। उसके बाद यहां पर देखिए टू, तो दो उसके जस्ट नीचे लगी हुई है, तो दो एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, क्लियर। तो इस तरह से 3+2 का पोजीशन इस तरह से गिवन है, क्यों गिवन है मैंने आपको बताया, क्योंकि पांचों बार एक साथ नहीं लग सकती, क्योंकि इसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी तो मटेरियल डालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में हमको ये चीज समझना है कि जो स्पेसिंग है, ये जो टाई बार है, इस टाई बार का स्पेसिंग, जो गैप की हम बात करते हैं कि वो कितना नीचे लगता है, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो होता है 25 mm, कितना होता है 25 mm इस टाई बार का जो डिफरेंस या डिस्टेंस होता है। अब 25 mm क्यों होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिए जो हमारा एग्रीगेट का साइज है वो कितना है, 20 mm जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, और उसके बाद 5 mm और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, इसी वजह से हम 25 mm कंसिडर करते हैं। और बहुत सारे साइड्स पे आपको ऐसा भी दिखेगा कि टाई बार नहीं लगा है, दोनों के दोनों जो एक्स्ट्रा बार है वो उसी के जस्ट नीचे होके लगा हुआ है। जो भी ड्राइंग का कंडीशन होता है उसके हिसाब से काम करना होता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चीजें नहीं लगा सकते, साइड पे कुछ भी काम नहीं कर सकते, आपको ड्राइंग्स को समझना और ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीबीएस के केस में तो आपको ड्राइंग को ही फॉलो करते हुए पूरे के पूरे काम करवाने होते हैं। तो इस तरह से 3+2 का पोजिशनिंग चलता है हमारा। सेम हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल पे गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं 5-12 है 3+2, यानी कि पांच बार टोटल लगती हुई आ रही है 1-6-5 की डिस्टेंस तक, यानी इस डिस्टेंस तक पांच बार आ रही है, लेकिन इस पांच के बाद देखिए कौन सा डाटा हो गया 2-12 है, यानी कि पांच में से सिर्फ दो ही आगे निकल पाई हैं, क्लियर, सिर्फ दो बार ही आगे निकल पाई हैं, बाकी तीन की तीन बार पीछे छूट गई हैं। तो जो पीछे तीन बार छूट गई है वो टॉप एक्स्ट्रा है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तो फिर टॉप एक्स्ट्रा कौन सी है, जो ये पांचों की पांचों बार लगी है इसमें टॉप एक्स्ट्रा कौन सी है और मेन बार कौन सी है। तो सबसे पहले देखने की बात यह है कि यहां से कितनी बार आगे निकल रही है, दो बार आगे निकल रही है, तो वो दो बार कौन सी होगी, मेन बार होंगी दोनों की दोनों। तो सबसे क्लियर चीज जो मैंने आपको बताया, आंख बंद करके एकदम भरोसा कर लीजिए कि जो कॉर्नर पर दो बार लगी है टॉप पर वो मेन बार ही होंगी, क्योंकि स्टीरअप के केस में एक ये एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों की चारों हमारी मेन बार होती ही हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, क्लियर इंजीनियर्स। तो इस तरह से आपको समझना होता है, और जो पीछे छूट गया वो कौन सी होगी हमारी, टॉप एक्स्ट्रा। तो दैट मीन्स ये 1, ये नीचे वाले 2 और ये 3 हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार कहलाएंगी। तो इस तरह से जो पोजिशनिंग और प्लेसिंग है हमको समझना होता है एज पर ड्रॉइंग। तो आइए नेक्स्ट डाउट को हम कवर अप करते हैं, नेक्स्ट डाउट लेते हैं जो मिस्टर शुभांकर जी का, सर वाई इन कैलकुलेशन देयर इज 0.42H बट एट साइट इट इज 1.42H। तो शुभांकर जी मैं आपको डिटेल पे बताना चाहूंगा, जो मेरा नया सीजन नया लेक्चर रहेगा आगे चल के, मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है आपको जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आगे अपने नेक्स्ट सीरीज में जो पार्ट 5 या 6 लेके आऊंगा उसमें मैं पूरा का पूरा डिटेल पे कवर करूंगा। लेकिन आज मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं आपको ये जरूर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि यहां पर एच का वैल्यू है ना वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है बहुत आसान तरीके से। तो आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए हमारे स्लैब की डेप्थ, चाहे वो बीम हो
होता है स्लैब, और जो भी आपका मेंबर हो, यहाँ पर हमने स्लैब लिया जिसकी डेप्थ कितनी है 125 mm. अब इस तरह से कुछ क्रैंक बार लग के आई हुई है, क्लियर? तो आपको देखना है स्लैब है इसलिए 20 mm का कवर ऊपर, 20 mm का कवर नीचे, क्लियर है? देन हमको देखना है बार कितने डाय की है, 10 mm डाय का बार यूज हो रहा है। तो यहां पर जो एच का वैल्यू आएगा वो एच का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस पॉइंट से, इस बार के बॉटम से इस बार के बॉटम तक के जो वर्टिकल परपेंडिकुलर हाइट है ना, इसको हम कहते हैं एच, क्लियर? तो इस एच की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो एच की वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डेप्थ, टोटल डेप्थ 125 माइनस 2 इनटू कवर, यहां 20 mm माइनस करेंगे, यहां 20 mm माइनस करेंगे, क्योंकि इस परपेंडिकुलर हाइट को निकालने के लिए 20-20 mm का कवर आ रहा है, तो माइनस 2 इनटू कवर माइनस डाया ऑफ बार। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं इस पॉइंट तक मुझे को पहुंचना है, तो यहां पर कवर आ रहा है लेकिन साथ ही साथ इस बार का डाया भी तो बीच में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस बार का डाया भी माइनस करना पड़ेगा, जो कि कितना है 10 mm, लेकिन यहां पर डाया नहीं आ रहा, ये तो इसी पॉइंट तक नीचे तक आ रहा है पूरा का पूरा, सिर्फ एक कवर माइनस करना। तो यहां पर मैं देखूंगा टोटल डेप्थ 125 माइनस 2 इंटू कवर, जो कवर कितना है 2 इंटू 20 mm माइनस डाय ऑफ बार कितना हमारा 10, तो यहां से मेरा एच का वैल्यू कितना आता है 75 mm। इस तरह से आपको क्रैंक लेंथ में जो एच की वैल्यू है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन था जो शुभांकर जी, मैं उसको और डिटेल में कवर अप करूंगा, एच का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू डिडक्ट बैंड एज IAS कोड्स एंड सर IAS कोड बुक के लिंक दीजिए। तो बिल्कुल मुजफ्फर जी और तबरेज जी, ये जो आपके IAS कोड से रिलेटेड डाउट से क्वेश्चन है, मैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर अप करने वाला हूँ डिटेल पे IAS कोड, तो आपको पूरा का पूरा वहीं से, क्योंकि छोटा सा पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा बहुत लंबा पार्ट है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो कि ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पे सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा IAS पार्ट कोड से रिलेटेड पूरी की पूरी चीज़ें। तो होपफुली इन जीने से जो पूरा का पूरा वीडियो सेशन, जो पूरा का पूरा थीम था IAS की, मैंने आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व किया प्रॉपरली। और अगर आपको इसी तरह की सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है, सीखनी है मुझसे प्रॉपरली, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस और बनाते जाऊंगा, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आप किन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछ सकते हैं, या कौन से वीडियोस के टॉपिक्स को मैं लेके आऊं आपके लिए बनाने के लिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े और बहुत सारे इंजीनियर्स को इन सारी सीरीज का जो मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं उसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।